आज मैं आपको चीज़ पाउडर बनाना सिखा रही हूँ। चीज़ पाउडर के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स बिछा दिए हैं एक थाली में। मैं ये अमूल चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास पड़ी थी, थोड़ी सी मैंने इसमें से यूज़ की है। और ऐसे मैं इसको फैला दूँगी। और इस पाउडर का एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये गैस या ओवन के बिना बना रही हूँ मैं, गैस में भी नहीं और ओवन में भी नहीं, ऐसे ही बनाऊंगी। चलो आप भी देखो, इसको फैला दिया है ऐसे ऐसे फैला के। इसमें मैदा या अरारूट या ये ब्रेड क्रम्स बिछा के इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें जो ऑयल ये चीज़ छोड़ता है ना ये सोख ले, ब्रेड क्रम्स होता है ना वो, तो इसको बस धूप में सुखाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दिन ऐसे धूप में सुखाना है, इसके ऊपर पतला कपड़ा या कुछ भी, इस पर डस्टिंग ना जाए ऐसा कुछ ढक देना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो चीज़ सुखाई थी वो ऐसे हो गई है, देखो सूख के ड्राई हो गई है। और इधर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर और ब्लैक पेपर जो थोड़ा सा कूट लिया है, और एक चम्मच नमक और दो चम्मच पिसी हुई चीनी, इतना सब मिक्स करके मैं पीस लूँगी। इसमें एक टीस्पून हल्दी और मिर्च डालना है, इसमें डाल रही हूँ, इससे कलर भी अच्छा रहता है और टेस्ट भी। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मसाला हो गया है हमारा चीज़ मसाला, बिल्कुल थिएटर जैसा पॉपकॉर्न बनेगा इसी से, फ्लेवर भी अच्छा आएगा, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसमें बटर और थोड़ा सा नमक डाला है और मकाई जो पॉपकॉर्न की कॉर्न होता है वो। देखो ये मसाला मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओम, कैसा बना? ये तो मास्टर शेफ का जैसा एक्टिंग करेगा फिले। बहुत अच्छा है, ऐसे पॉपकॉर्न होना चाहिए, थिएटर से भी अच्छा। थिएटर से भी अच्छा, ओ थैंक यू। और वेकेशन में देखो दोनों बच्चे मैगी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग सी रेसिपी बना रहे हैं दोनों। ओए चिंगुसो, क्या बना रहे हो? देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। ये कुछ सब्जियां कटिंग करके रखी है और मैगी का चूरा बना रहे हैं अभी, तो बड़े बड़े हो गए, देखते हैं। उसकी पसंद की है ना तो रेसिपी बनाएगी, मगर रोटी नहीं बनाएगी, ऐसी है वो। और ये घी का डब्बा निकाला है, घी में मैगी बनाएगी, घी में प्योर घी। ओहो, घर पे बना हुआ। मुझे लगता है पूरा वेकेशन किचन में ही जाने वाला है। हेलो, हाय। प्योर घी में मैगी बनने वाली है। सही बात हो। और वो देखो चिकुलू प्लेटफॉर्म पर चढ़ के। हाफ स्पून ही डालनी है। ओके, रेसिपी बता रही है। बड़ी यू जल्दी नहीं चीना खानू वही। इसे क्या फ्राई करना है? हाँ, डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना, ब्राउन हो जाए उतना ही सेकना है घी में। हाँ बस, थोड़ा घी डाल के मैगी को सेकना है। मगर क्या बना रही है बताओ तो फ्री। रुको जरा, सबर करो। ओके, सबर का फल मीठा होता है। ये तो और घी डाला एक स्पून, आधा स्पून ही, आधा स्पून डाला, आधा। ओके, कच्ची मैगी फ्राई करी। हाँ, बाद में क्या करना है?
देखते जाओ, मैंने क्या बोला। देखो ये तो ब्राउन हो रही है थोड़ी थोड़ी, पेशा कितनी करेगी ब्राउन और थोड़ी। मसाला मसाला सब देखो उसने तैयार कर लिया है, रेडी हो गई है, अब जलाना देगी। नहीं जलाऊंगी भाई, स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बढ़िया बढ़िया स्मेल आ रही है। प्रिशा ये दो पैकेट की मैगी कितने लोगों को होगी, मगर टेस्ट कैसा होगा उसके हिसाब से सब खाएंगे। आप सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डालो। ओके और फिर रेड पाउडर भी आप जितना खाते उतना ही डालना। रेड पाउडर कौन सा है? ये चिली पाउडर, वही होता है समझ जाते। मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर बोल। मैगी मसाला गैस चालू है या बंद? बंद बंद। ओके और देन अच्छे से मिक्स कर देना। ये तो क्या क्रंची बेल हो गई उसके जैसी ही है। ओके मैगी के लिए मैगी का केचप। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैगी का ही केचप डालो, आप कोई भी केचप डाल सकते हो, आपको जो पसंद है वो। केचप नहीं आता है वो स्पॉन्सर्स के लिए। ये देखो क्या डाल रही है और क्या डालना है पता नहीं। मेरा ये बच्चों का वेकेशन होता है ना, छुट्टियों का दिन, मेरा तो पूरा का पूरा किचन में ही जाता है। टोमेटो डाला, इतनी स्लो कौन करते है कृषा? और वो देखो कहाँ बैठी है। धीरे धीरे गैस के पास मत आ जाना उसे नीरजा को कितनी दूर बिठाई थी, मगर धीरे धीरे करके आगे आगे आ रही है। अब आएगा केचप। अच्छा ये मैगी का केचप नहीं है, ये स्पॉन्सर है मैगी का। ये है केचप वो ये अनोखी रेसिपी। सूरत में ऐसे चाइनीज भी मिलती है। कितना डालेगी? स्वीट हो जाएगा। केचप ही डालना होता है बेल में। अब 1 स्पून सेजवान चटनी जाएगी अंदर। जैसा हो गया। क्यों हो गया? तुम्हारा रेसिपी हो गया, हो गया, हो गया। ओके ये तो कृषा की रेसिपी देखो, मैगी की भेल हुई है ये तो। कृषा दैट्स माय एक्सपेरिमेंट। ओके वेरी गुड, बना के खाओ, खुद बनाओ खुद खाओ। हमारा रूल है घर का जो मम्मी ने बनाया, खुद बनाओ खुद खाओ। ओके गाइस तो यहाँ हमारा व्लॉग खत्म होता है। कई दिनों से मैं नहीं बना रही थी व्लॉग, मेरे घुटन में लग गया है इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहा था, तो सॉरी।